सोचो अगर लाइफ ऐसी ही होती तो कैसा होता। पढ़ाई जूम कॉल पे होती, इंटरव्यू स्काइप पे होता, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते, बस संडे को थालियाँ बजा के सब सेलिब्रेट कर रहे होते। सोचो अगर लाइफ ऐसी ही होती तो कैसा होता। घर वालों से सिर्फ फेस टाइम पे मिलते, बातें सिर्फ व्हाट्सएप पे होती, स्नैपचैट पे सबकी डेटिंग होती, फिर इंस्टा पे सिर्फ फोटोज लाइक होती और उसकी तारीफें कमेंट्स में ही होती। सोचो अगर लाइफ ऐसी ही होती तो कैसा होता। फिर पार्टी क्लब्स में नहीं सिर्फ नेटफ्लिक्स पे होती, शॉपिंग मॉल्स में नहीं सिर्फ अमेज़न पे होती, बच्चे बूढ़े सब घर पे रहते, प्रधानमंत्री सिर्फ टीवी पे ही दिखते। भाइयों बहनों आपने कमाल कर दी। ऐसी लाइफ होती तो पता है कैसा होता। गंगा इतनी मैली ना होती, यमुना इतनी गंदी ना होती, आसमान आज भी नीला होता, हवा आज भी साफ होती, सड़कों पर शायद इतना कचरा ना होता, है ना। ट्रैवल भी ना होता, फिर आईआईटी का इतना कंपटीशन भी ना होता, शायद फिर सुसाइड ना होते, मर्डर ना होते, ड्रंक ड्राइविंग ना होता, रोड पे इतना रेज ना होता। A shocking case of road rage. और तो और हिंदू मुसलमान के इतने झगड़े ना होते, कितना कुछ अलग होता। बट ये तो तभी होता अगर लाइफ ऐसी ही होती, है ना। तो कैसी लगी वीडियो? देखो गलतियाँ सबने करी है, आपने मैंने, लेकिन मिलके ठीक कर सकते हैं, अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। देखो ये लॉकडाउन ने ना दो चीज़ें सिखा दी, एक जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, चाहे वो स्कूल जाना हो, दोस्तों से मिलना हो या फिर पार्क में वॉक करना ही क्यों ना हो। ये फ्रीडम तो हमारा है ही नहीं, ये तो हमें मिला है, सो ये कभी भी जा सकता है और वो सबने देख लिया, राइट। और दूसरी, इंडिया गंदा नहीं है, हम गंदे हैं जो हम इसे गंदा करते हैं, क्योंकि अब जाके देखो हम नहीं है तो ये गंदा भी नहीं है। फ्रीडम की तरह ये रोड्स, पार्क, हवा, ये भी हमारा नहीं है, ये हमें मिला है, सो लेट्स नॉट पल्यूट इट। एनीवे दैट वाज द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डिड जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।